करने पर हमारा पूरा समाज के साथ साथ पूरे गांव, मोहल्ले, पंचायत, प्रखंड, जिला तक खुशी है। इकतीसवीं बिहार न्यायिक सेवा के प्रतियोगी परीक्षा में सारण जिले के गरखा प्रखंड के वाजिदपुर गांव के रत्नेश कुमार मांझी ने जनरल रैंक 242 एवं एससी रैंक में चौथा स्थान प्राप्त किया। रत्नेश मांझी अपने पिता जगन्नाथ मांझी, माता नैनझड़ी देवी के 5 संतानों में सबसे बड़े पुत्र हैं। इनके पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं जबकि इनकी मां गृहिणी है। बनने पर हमारा पूरा समाज के साथ साथ पूरे गांव, मोहल्ले, पंचायत, प्रखंड, जिला तक खुशी है। इस खुशी को जाहिर करने के लिए मेरे पास वो चेहरे में मुस्कान जो होनी चाहिए, अभी आपको हंस के दिखाऊंगा तो क्या ही हंसने की बारी है यार, मैं इसलिए नहीं हंस पाया, लेकिन खुशी तो काफी है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्री कृष्णा उच्च विद्यालय केवानी से एवं इंटरमीडिएट DBSD कॉलेज कदना एवं LLB श्री कृष्णा जुबली लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर से की है। इन्होंने कौटिल्य लॉ संस्थान पटना से कोचिंग करके इस परीक्षा में सफलता पाई है। कोर्ट में जज को देखते हुए इन्हें जज बनने की प्रेरणा मिली एवं ये दूसरे प्रयास में इस सफलता को हासिल किए। अपने सफलता का श्रेय कौटिल्य लॉ संस्थान पटना के डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद अपने माता पिता एवं अपने परिवारजनों के साथ अपने दोस्तों को देते हैं। गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। अच्छा लग रहा है सर। कब पता आपको चला कि मेरा बेटा जज बन गया? जब मेरा बेटा का रिजल्ट आया तब मेरा बेटा कॉल किया कि मम्मी मैं मेरा रिजल्ट आ गया, मैं जज बन गया। कितना खुश है आप? बहुत खुश हैं। आप क्या करती हैं? मैं सिलाई करती हूँ। कहाँ? घर ही पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नैनझड़ी देवी है। नाम रत्नेश मांझी हुआ और मेरे पिताजी का नाम श्री जगन्नाथ मांझी हुआ और मेरे माताजी का नाम श्रीमती नैनझड़ी देवी हुआ। सर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, क्या राज है इसका? इसका सर वही मूल मंत्र है, हमारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा इसमें मूल मंत्र है। अगर वो हमको सपोर्ट इतना दिन तक नहीं करते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और हमारे बड़े बुजुर्ग का, गांव का जो आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद भी रहा और हमारे मित्र का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा। सर पढ़ाई करने से पहले गुरु जी का भी बहुत योगदान होता है, जिस माहौल से आप आते हैं उस माहौल में रहकर इतना बड़ा कामयाबी पा लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जाए कि आप गरखा से आते हैं और यहाँ के युवाओं को आप क्या संदेश, जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो गुरुजनों का भी बहुत सहयोग होता है, क्योंकि पेरेंट्स के बाद जो है उनका स्थान दिया जाता है, गुरु का भी सहयोग होता है इसमें। और यहाँ के स्थानीय लोगों को और हमारे नवयुवक लोग जो हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जो है परिश्रम और जो भी करना चाहिए अपना परिश्रम और संघर्ष करना चाहिए, और जो भी रास्ता में बाधा है उससे जो है उसको सामना करते हुए अपने को आगे बढ़ना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए आदमी को। ये जो भी परेशानियाँ अब जीवन में तो बहुत परेशानी आती हैं, लेकिन उसको परेशानी को झेलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सर आपका कौन सा प्रयास था कि आपने दूसरी बार में इस तरह के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया? ये सर मेरा पहले प्रयास में जो है मैं मेंस नहीं क्लियर कर पाया था, लेकिन ये मेरा दूसरा प्रयास था और मैं दूसरे प्रयास में अपने और सफल पाया। सर पूरे इंडिया में आपका कितना स्थान पे? मेरा सर पूरे अगर बिहार में देखा जाए तो मेरा 242वां रैंक है, और एससी, और एससी पूरे बिहार में मेरा चौथा रैंक है। ये हम लोग इस भैया जज बने तो बहुत खुशी है, हम लोग भी भैया का प्रेरणा लेकर हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। पता चला तो गांव में कैसा खुशी था? गांव में बहुत खुशी रही, हम लोग खुशी से आंखें छलक आई। फोन आ रहा है कैसे? बहुत आ रही है फोन। क्या लोग बोल रहा है? बोले बहुत खुशी हुई हमको सुन के कि भैया आपके जज बन गए, आपको भी बधाई और आपके भैया को भी बधाई। क्या नाम है? गुड़िया कुमारी। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।